भारत और बांग्लादेश के बीच आगामी दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारत ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होने वाले इस पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम ने अपनी तैयारियों को लेकर एक नया कदम उठाया है। भारतीय क्रिकेटर्स ने शुक्रवार से अपना गुप्त अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें कोच गौतम गंभीर की निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गंभीर की निगरानी में चल रहे इस क्लोज डोर अभ्यास सत्र में सभी की निगाहें भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ियों पर टिकी हुई है, गंभीर जिन्होंने हाल ही में कोच के रूप में कार्यभार संभाला है। बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट श्रृंखला को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन्होंने टीम के गुप्त अभ्यास सत्र को पूरी गोपनीयता के साथ आयोजित किया है, ताकि प्रतिद्वंदी टीम को किसी भी तरह की जानकारी न मिल सके। पिछले टी20 विश्व कप के बाद से भारतीय क्रिकेटर्स को काफी आराम मिला है, लेकिन अब वे लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में लौट रहे हैं। भारत ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, और अब 6 महीने बाद टीम फिर से लंबे प्रारूप में खेलने के लिए तैयार हो रही है। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को 2-0 से हराया था, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इसलिए गंभीर और उनकी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ इस श्रृंखला के लिए पूरी तैयारी की है। इस बीच भारतीय टीम के कई खिलाड़ी वर्तमान के दुलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, इसलिए पूरी टीम अब इस शिविर में शामिल नहीं हो पाई है, लेकिन जो खिलाड़ी मौजूद है उनकी तैयारी गंभीर द्वारा शुरू कर दी गई है। शुक्रवार की सुबह भारतीय टीम के नए बॉलिंग कोच मॉन्ट मर्केल चेन्नई पहुंचे, और कोहली ने सुबह 4 बजे लंदन से सीधे चेन्नई में कदम रखा। जानकारी के अनुसार पहले दिन कोहली ने नेट्स में 45 मिनट तक का अभ्यास किया, और वो लगभग 9 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस करेंगे। टी20 विश्व कप के बाद बुमराह भी मैदान पर लौटने के लिए तैयार है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ उन्हें नहीं खिलाया, ताकि वो टेस्ट सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। गंभीर ने बुमराह को तरोताजा और फिट रखने के लिए पूरी योजना बनाई है। शुक्रवार को बुमराह भी शिविर में शामिल हुए और काफी समय तक नेट्स में गेंदबाजी अभ्यास किया। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और लोकेश राहुल भी शुक्रवार रात को चेन्नई पहुंचे और उन्होंने अभ्यास किया। दुलीप ट्रॉफी के मैच समाप्त होने के बाद बाकी खिलाड़ी भी शिविर में शामिल हुए। इस समय दुलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मैच रविवार तक समाप्त होने की संभावना है। इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की तैयारी को लेकर फैंस और क्रिकेट प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। क्या बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रख पाएगी? क्या गंभीर की योजनाएं और खिलाड़ियों की तैयारी इस श्रृंखला को भारत के लिए सफल बनाएगी? इसका जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा, जब 19 सितंबर को चेन्नई में टेस्ट सीरीज शुरू होगी।